हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिल्लन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 20th लेक्चर है और हमारे पास ये फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फिफ्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। जो चैप्टर फिफ्थ है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे स्टडी करेंगे हम यहां पर, कि मान लो कि मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, उसके अराउंड में कुछ आयन फिलिंग्स को रख दूं, तो ये बार मैग्नेट उन आयन फिलिंग्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और देखो, अगर इसके आसपास मैं कोई दूसरे बार मैग्नेट को रख दूं, ये तो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। मतलब कि किसी भी बार मैग्नेट को या करंट कैरिंग वायर को किसी रीजन में प्लेस कर देंगे तो आसपास का जो रीजन होगा, सराउंडिंग होगा, वो अपने आप को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर लेगा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास मैं दूसरी करंट कैरिंग वायर को लेके आऊंगा तो उसे अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। देखो, ऐसा हमने रीड आउट किया था ना फोर्थ चैप्टर में, वो इसलिए था एक करंट कैरिंग वायर के थ्रू जब मैंने करंट पास किया, मान लो ये येलो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और ये ब्लैक दूसरा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस येलो मतलब फर्स्ट के थ्रू जब मैंने करंट पास किया, आसपास के रीजन में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरे वायर को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा दूसरे वायर में करंट कहां फ्लो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। फिर हमने देखो इसका और फिनोमेनास क्या रीड आउट किए थे, कि जब पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बार मैग्नेट के लिए ये क्या होंगी, इमेजिनरी लाइंस उसके अराउंड, बार मैग्नेट के अराउंड, कि उस रीजन में किसी दूसरे बार मैग्नेट को, आयन फिलिंग्स को, कॉपर, निकल, ऐसे सब्सटेंस को जब मैं प्लेस करूंगा तो ये एक टेंडेंसी होगी इनका कि ये उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि उस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास क्या है, फील्ड आ गया। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, बार मैग्नेट। यहां हमने देखो देखा था सोलेनोइड, सोलेनोइड में क्या था, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप अप कर दिया था मैंने सिलेंडर के ऊपर, टोरॉइड में रिंग के ऊपर, तो उनके भी वहां पर क्या आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम एज इट इज, वहां पर भी मैं अगर मान लो उसके आसपास के रीजन में आयन फिलिंग्स को प्लेस करूं, या फिर मान लो उसके आसपास के रीजन में मैं किसी कंपास नेडल को प्लेस करूंगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब मैं करंट को पास करूंगा। हर एक पॉइंट पर मान लो कंपास को प्लेस करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी जो पोजीशंस बताएगा। लाइक जो नेडल होगी उसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया उस रीजन में, कभी एकदम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, कभी स्मॉल मूवमेंट होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा था, वो भी हमने स्टडी किया था। एक करंट कैरिंग वायर से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2i/r या डी, ठीक है, 2i/d रख लो, 2i/r रख लो, 2i/a रख लो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये कुछ है ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, इसी को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ये हमारे पास है, जैसे कि हम यहां पे स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और हमें पता है बेटा देखो, एक मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट पे क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, मतलब इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। पोल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पोल्स इज मैक्सिमम, मतलब जो स्ट्रेंथ होगी ना पोल के अराउंड किसी भी दूसरी बार मैग्नेट को या आयन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने का, वो सबसे ज्यादा होगा। एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड होगा मेरे पास साउथ टू नॉर्थ। ये क्लोज लूप्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो क्लोज लूप्स नहीं थी, वो एक चार्ज के सरफेस से स्टार्ट हुई, दूसरे के पे एंड हो गया। बट यहां पर ये ओरिजिनेट हुआ नॉर्थ से और टर्मिनेट साउथ पे नहीं हुआ, बट की आउटसाइड है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड है
साउथ टू नॉर्थ, तो मतलब यहां पर दो पोल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनको हम कैसे देखें कि दो पोल्स एक साथ है? अगर मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है और मेरे को पता है जियोग्राफिक नॉर्थ मान लो इस साइड है, इसको मेरे को चेक करना है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ। तो हमने एक कन्वेंशन बना लिया कि अगर इसको मैं सस्पेंड कर दूंगा लाइक मान लो फ्रीली, ठीक है, तो सस्पेंड करेंगे तो ये अपने आप को ना ओरिएंट कर लेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जियोग्राफिक नॉर्थ के टुवर्ड्स जो भी पोल होगा वो मेरे पास होगा इसका नॉर्थ पोल, और जो अपोजिट होगा वो इसका हो जाएगा साउथ पोल। तो मैं मार्क कर सकता हूं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा यहां से, तो अपने आप को ये ओरिएंट कर लेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पोल बिहेव करेगा नॉर्थ के जैसे, दूसरा पोल बिहेव करेगा साउथ के जैसे। अब देखो ये मान लो कि यहां पे हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ कुछ, यहां पे हो गया जियोग्राफिक साउथ, तो ये पोल हो गया नॉर्थ और ये पोल हो गया साउथ। मुझे अब ये भी पता है लाइक पोल क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ, ये भी हो गया नॉर्थ साउथ, लाइक पोल विल रिपेल इच अदर। और जो तुम्हारे पास अनलाइक पोल्स होंगे लाइक साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट इच अदर और ये तुम्हारे पास रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व्स है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? इमेजिनरी कर्व्स, मतलब कि अगर ये बार मैग्नेट है तो मुझे पता है इसके अराउंड ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनसाइड डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड है नॉर्थ टू साउथ, सेम एज इट इज। इनसाइड है साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड है नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? ये इमेजिनरी कर्व्स है। कैसी इमेजिनरी कर्व्स? अगर मान लो आसपास के रीजन में एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दें तो इसके जो सराउंडेड का रीजन है वो मॉडिफाई कर लेगा। अगर दूसरी बार मैग्नेट को लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। पोल के अराउंड जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो एक कंपास को प्लेस कर देंगे किसी भी प्लेस पे, लाइक इस प्लेस पे मैंने कंपास हैंडल को प्लेस कर दिया, इस कंपास हैंडल ने अपनी डिफ्लेक्शन को कुछ ऐसे शो किया। अगर मान लो इस रीजन पे मैं कंपास को प्लेस कर दूं और उसने अपनी डायरेक्शंस को कुछ ऐसे शो किया, तो मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिधर ये मेरे पास स्मॉल एरो है। और देखो टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और नेक्स्ट है मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब होगा मान लो ये अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो यहां तो हो गया बी वन और यहां पे हो गया बी टू, मतलब एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर एक कंपास हैंडल को प्रेस करूंगा तो वो अपना डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में करेगा, तो फर्स्ट लाइन के क्रॉस या सिर्फ सेकंड लाइन के क्रॉस, तो जिस भी डायरेक्शन में अपना लाइक जो पॉइंट आउट करेगा नीडल को वो मेरे पास हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो वो पॉइंट आउट करे फर्स्ट में तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा सेकंड रोंग, अगर वो पॉइंट आउट करे सेकंड में तो सेकंड ठीक हो जाएगा फर्स्ट रोंग, ठीक है। तो मेरे पास यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मुझे पता लग गया यहां पर कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइक पोल
तुम्हारे पास कैसे होंगे? लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, ठीक है, अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। देखो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, डाइपोल यहां से फिर से आ गया, यहां पर चार्ज तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है यहां पर बेटा, देखो बार मैग्नेट है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास सिक्स स्मॉल बार मैग्नेट, ये मुझे पता है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस पोल का, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ मैं कंसिडर कर लेता हूं स्मॉल एम, इस पोल का भी पोल स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं स्मॉल एम, ठीक है, एम हो गया मेरे पास पोल स्ट्रेंथ, और मेरे पास 2L हो गया डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, 2L हो गया सेपरेशन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो मेरे पास देखो यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, ये जो सिस्टम हो गया ना, एक बार मैग्नेट, एक पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम, दूसरे पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम, डिस्टेंस हो गया 2L, तो मेरे पास ये जो एक सिस्टम बन गया यहां पर, ये सिस्टम है मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब इसके पास दो पोल्स हैं, कुछ सेपरेशन है दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये जो सिस्टम हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। अब मेरे पास एक टर्म हो गया यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट एक टर्म होगा मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन एंड द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, इसको डिनोट कर दूंगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हो गया एम इंटू 2L, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा, यहां से तो मेरे को क्या मिल जाएगी मैग्नेट्यूड, और डायरेक्शन होगा टू अ साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो गया मेरे पास साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे हमारे पास था ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जो डायपोल मोमेंट था उसका जो डायरेक्शन था वो कहां था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां पर होगा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये मेरे पास कन्वेंशन है, जो हमारे पास होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ या टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, उसका मतलब वही है कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन is from south to north, ठीक है, तो बस ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मतलब दो पोल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया मैंने किसी डिस्टेंस से, तो मेरे पास ये क्या जाएगा मैग्नेटिक डायपोल, इट कंसिस्ट of two poles having same strength and separated by a small distance. दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट है मेरे पास करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक, करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब कि एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो बिहेव करेगा मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे।
मैग्नेटिक डायपोल में क्या है, दो पोल्स होने चाहिए, कैसे, एक साउथ और एक नॉर्थ, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए, वो क्या जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होगा, वो भी बिहेव करेगा ऐसे मैग्नेटिक डायपोल। तो उसको स्टडी करते हैं, हमारे पास हम मान लेते हैं ये करंट कैरिंग लूप है, और इस करंट कैरिंग लूप में ये मेरे पास कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास देखो, जो ये करंट कैरिंग लूप है, इसका जो अपर फेस है ये कैसे बिहेव करेगा, या तो नॉर्थ के जैसे या फिर साउथ के जैसे। यहां पर करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अपर पोल बिहेव करेगा, ये हो गया अपर व्यू, ये तुम्हारे पास बिहेव करेगा नॉर्थ के जैसे, और जो बॉटम होगा ना तुम्हारे पास वो बिहेव करेगा साउथ के जैसे, ठीक है। जैसे मैं देखो, ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम एज इट इज, जो करंट कैरिंग लूप है इसका जो अपर व्यू है वो बिहेव करेगा मेरे पास नॉर्थ के जैसे, और जो लोअर है बॉटम वो बिहेव करेगा साउथ के जैसे। तो पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कहां से कहां होता है, साउथ टू नॉर्थ। और यहां पर देखो एरिया भी है इस करंट कैरिंग लूप में, तो एरिया वेक्टर भी मेरे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में, एन कैप हो गया, एन कैप यूनिट वेक्टर है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर जो भी एक लाइक मेरे पास वेक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, एरिया का, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। और जो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कहां से कहां होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो वो भी मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरे पास जो अपर फेस है वो बिहेव कर रहा है नॉर्थ के जैसे, और जो लोअर फेस है वो बिहेव कर रहा है साउथ के जैसे। तो बस ये बन गया एक मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। मतलब कि कुछ सेपरेशन है, साउथ है नॉर्थ है, तो मेरे पास हो गया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट कैरिंग वायर है ये, करंट कैरिंग लूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, और ये बिहेव करेगा करंट कैरिंग लूप ऐसे मैग्नेटिक डायपोल। तो मेरे पास अब देखो, मैं यहां पर डिफाइन कर दूंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, एम हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, विच इज इक्वल टू एन आई E। ये मैंने देखो फोर्थ चैप्टर में भी तुम्हें थोड़ा सा बताया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो बस ये क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। n कैप भी रख सकते हो, यूनिट वैक्टर, एन कैप इज यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। मेरे पास ये क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। तो करंट कैरिंग लूप है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट है हमारे पास कि मेरे पास क्या होगा, करंट कैरिंग लूप होगा, तो उसमें एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये करंट कैरिंग लूप ऐसे मैग्नेटिक डायपोल बिहेव कर रहा है। तो मेरे को अब यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एन आई ए। अब मेरे को जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं है फर्स्ट में, सेकंड में भी रिवॉल्व कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है, तो उसके अराउंड मेरे को क्या फाइंड आउट करना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस पर्टिकुलर, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, तो तब मेरे को फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू, मैं यहां पर फाइंड आउट कर लूंगा। मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है, ये हो गया तुम्हारे पास फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज बोर मैग्नेटो,
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज बोर मैग्नेटोन। देखो मेरे पास, अब मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और मान लेते हैं ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। तो रिवॉल्विंग, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एस इलेक्ट्रॉन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज एस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो करंट मेरे पास कहां हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट उसके साथ एसोसिएट कर रहा है। मैं अज्यूम कर लेता हूं, यहां पर देखो जब करंट है तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और हमें पता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी ये टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो पास कैपिटल टी क्या होगा, यहां पर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ रेडियस में सबस्टेंड करेगा, मान लो वो मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पर आर, ठीक है बेटा। तो अब देखो हमें पता है क्यू इज इक्वल्स टू आई इन टू टी, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहां पर तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और क्यू क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन बाई टी, नेगेटिव साइन भी रख सकते हैं, मतलब कि यह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है वो भी रखेंगे। मेरे पास ये हो गया म्यू, सॉरी आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, टी हो गया टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी एसोसिएट करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि एक तरह से ये क्या होगा, करंट कैरिंग लूप। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट होगा एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपर व्यू जो है वो बिहेव करेगा साउथ के जैसे, जो इस लूप का जो अपर व्यू है ना ये क्या होगा मेरे पास क्लॉकवाइज। देखो बेटा ये हो गया ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया अपर व्यू बिहेव कर रहा है साउथ के जैसे अपर फेस। लोअर फेस कैसे बिहेव करेगा तुम्हारे पास, नॉर्थ के जैसे। तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इस केस में, जो एम से रिप्रेजेंट किया है इसे कुछ कुछ बुक्स में म्यू एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा दोनों का मतलब क्या है। M मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। म्यू एल मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी और बिट में, ठीक है। तो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो इसको म्यू एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एम या म्यू एल है इसका डायरेक्शन मेरे पास कहां हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मतलब कि जो लूप है उसके इन टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के अंडर में मेरे पास क्या है यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो इसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी होगी। एक लूप है तो एन का वैल्यू वन, आई आई हो गया इन टू ए, तो मेरे पास यहां पर हो गया एम, इसको एम भी रख सकते हो तुम, तो हो गया तुम्हारे पास एम या म्यू एल एंड दिस इज इक्वल्स टू आई इन टू ई। अब देखो आई को वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर, आई इक्वल्स टू ई बाई टी, एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। यहां पे आर हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, आर इज
रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वी इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम भी लेगा। अब मेरे पास देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरे को टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड कब होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, वो किसके अगेंस्ट होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास देखो यहां पर टी इक्वल टू 2πr/v, ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे, तो क्या m इक्वल टू μl एंड दिस इज इक्वल टू e पाई आर स्केयर बाई 2πr इंटू वी, पाई पाई आर आर कैंसिल आउट, तो वैल्यू हो गया e v r बाई 2। ये मेरे पास हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू m म्यू एल इज इक्वल्स टू ई वी आर बाई 2। अब मेरे पास देखना ध्यान से, एक टर्म है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहां पर कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब होता है, ये पार्टिकल है बस है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहां पर क्या होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम हमने स्टडी किया था आर क्रॉस पी, ठीक है, तो वो क्या होता था एम वी आर। मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल एंड दिस इज इक्वल टू एम वी आर, या इसको ये भी रख सकते हैं आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा आर क्रॉस पी, और एल हो गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एल क्या हो गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो म्यू, ठीक है, ये जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है इससे क्या है म्यू या एम इज इक्वल्स टू ई वी आर बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एम से, डिवाइड कर दिया एम से, तो ऊपर टर्म हो गया एम वी आर, इसको रिप्लेस कर सकता हूं ई एल बाई 2m। ठीक है, तो मेरे पास हो गया म्यू एम इज इक्वल्स टू ई एल बाई 2m। एंगुलर मोमेंटम, सॉरी जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मुझे पता है वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को हमें वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है, तो इसको रख सकता हूं मैं म्यू एल वेक्टर या एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई एल बाई 2m, एंड हियर नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन implies that mu l and l are in opposite direction, मतलब कि mu l represent, जो negative sign है ये represent कर रहा है mu l और l opposite directions में, कैसे इसको देखते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, अब मेरे पास यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये तो हो गया उसका रेडियस वेक्टर m, ये हो गया उसका p इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि मेरे पास यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर से प्लेस करो, सेकंड की तरफ कर्ल करो, तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड, मतलब कि सेम पे एल जो होगा वो क्या होगा, म्यू एल के ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो पास ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मेरे पास ये इसका वैल्यू मिल गया, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एल बाई 2 है। ठीक है, मेरे पास ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज इक्वल टू ई एल बाई 2 है। अब मेरे पास है बोर्स थ्योरी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, फ्रॉम बोर्स थ्योरी, फ्रॉम बोर्स, फ्रॉम बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू एंड इट इज कंजर्व एंड इट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। मतलब कि एल विच इज इक्वल्स टू एम वी आर, इसके फिक्स वैल्यू होंगे पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के लिए, वो होगा एन टाइम्स ऑफ एच बाई सॉरी बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी आर विच इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। ये हो गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, ठीक है, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो पास ये था, अब इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू के मैग्नीट्यूड में, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई एल बाई 2 एम। तो पास यहां पर ये हो गया म्यू एल इज इक्वल्स टू ई बाई 2 एम इंटू एल, और ये क्या आ जाएगा एन एच बाई 2 पाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एन ई एच बाई 4 पाई एम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है। तो मतलब म्यू एल का वैल्यू फिक्स्ड होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एच अपॉन 4 पाई एम। और जो मिनिमम वैल्यू होगा इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो मेरे पास क्या होगी, बोर मैग्नेटोन, मतलब कि बोर मैग्नेटोन का वो वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्या मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन का मतलब है म्यूएल का वैल्यू मिनिमम हो, और म्यूएल मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास एन का वैल्यू 1 होगा इंटीग्रल मल्टीपल। इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, बोर मैग्नेटोन। तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 ई एच बाई 4 पाई एम, इन वैल्यूज में प्लग करूंगा तो एक वैल्यू मिलेगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24। यूनिट्स फाइंड आउट करना, म्यू क्या होता था, एन आई ए, एन का कोई यूनिट नहीं, आई एम्पियर, ए एरिया मीटर स्क्वेयर। तो पास हो गया एम्पियर मीटर स्क्वेयर, तो होगा मेरे पास बोर मैग्नेटोन। मतलब कि जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो गया, 9.27 10 की पावर माइनस 24। इसको मैं डिफाइन भी कर सकता हूं बोर मैग्नेटोन एज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बोर मैग्नेटोन इज द मिनिमम मैग्नेटिक, मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ए ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। मतलब कि बोर मैग्नेटोन मेरे पास क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब कि मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा मेरे पास, वो क्या वैल्यू के इसके इक्विवेलेंट होगी बोर मैग्नेटोन का, और ये क्या मिला एन इंटू में ई एच बाई फोर पाई एम, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगा ठीक है 9.27 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा कि जो भी ये मिनिमम वैल्यू होगा ये मिनिमम वैल्यू होगी बोर मैग्नेटोन की, इलेक्ट्रॉन जब भी तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ, वो क्या होगी बोर मैग्नेटोन, क्योंकि वहां पर क्या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम चेक करेंगे वहां पर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चेक करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा 9.27 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में ऐसे आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तुम्हारे पास एटम में ठीक है, तो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू बताओ, ये जो डायपोल मोमेंट है इसका वैल्यू बताओ, और बोर मैग्नेटोन को यहां से डिफाइन करो, या फिर बोर मैग्नेटोन 1 मार्क्स में आ सकता है। तो बोर मैग्नेटोन कैसे आएगा 1 मार्क्स में कि डिफाइन बोर मैग्नेटोन, तो देखो वो क्या होगा तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन इक्वल्स टू 1, ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड है उसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा 9.27 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइक मे बी 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन आया हुआ, ये आ सकता है तुम्हारे पास 3 मार्क्स में। नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट है बार मैग्नेट एस इक्विवेलेंट टू ए सोलेनोइड, देखो मेरे बच्चों यहां पर क्या होगा कि बार मैग्नेट एस इक्वल्स टू ए सोलेनोइड, मतलब बार मैग्नेट उसके अराउंड भी क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सोलेनोइड उसमें करंट पास करेंगे उसके थ्रू भी क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या होगी इक्वलेंस। तो बार मैग्नेट एक तरह से क्या है सोलेनोइड ही है, उसमें क्या है एक तरह से तुम अज्यूम कर सकते हो कि करंट कैरिंग लूप्स हैं ठीक है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनोइड में क्या है करंट कैरिंग लूप्स हैं, करंट पास किया मैग्नेटिक फील्ड आ गया रीजन में, कैसे फाइंड आउट करें कंपास नीडल को प्लेस कर दो डिफ्लेक्शन शो करेगा, या किसी बार मैग्नेट को लेके जाओ उसके आसपास उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है रिपेल भी कर सकता है पोल्स के टुवर्ड्स लेके जाएंगे तो, और आयन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो वो एक अच्छा सा पैटर्न बना लेंगी वहां पर ठीक है, तो पास क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया सोलेनोइड के अराउंड, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं तो कैसे वो देखते हैं ठीक है। अब मेरे पास है सोलेनोइड में था कि ये मेरे पास सिलेंड्रिकल, मान लो मेरे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैंने रैप अप कर दिया है इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को, क्लोजली वाउंड है ठीक है, तो यहां पर क्या होगा मेरे पास कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा इन वायर्स में, ये सोलेनोइड है ठीक है। अब क्या होगा इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं लाइक ये सोलेनोइड है हमारे पास ठीक है, इसके एक्सिस पे मेरे को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, 2L हो गया लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, P हो गया मेरे पास
ये आर डिस्टेंस जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैपिटल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनोइड और आई हो गया करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनोइड, मतलब जो भी करंट हमने इस सोलेनोइड के थ्रू पास किया वो क्या होगा आई। अब मेरे पास क्या होगा यहां पर, जब मैं करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर और पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, मेरे पास एन हो गया यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, 12 हो गया लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने यहां पर सोलेनोइड का लेंथ है ना 2L कंसिडर कर किया है तो उसको डिवाइड कर दिया कैपिटल N को 2L से। I हो गया करंट थ्रू दिस सोलेनोइड, करंट थ्रू दिस सोलेनोइड। P पॉइंट पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो देखो उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर एक स्मॉल dx एलिमेंट में कंसिडर कर लूंगा जिसके थ्रू करंट पास कर रहे हैं। तेरे पास ये हो गया स्मॉल dx एलिमेंट जिसके थ्रू करंट पास कर रहे हैं और इस एलिमेंट के लिए P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और जो ये dx एलिमेंट है ये कुछ x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस एलिमेंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेरे पास R माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर क्या हुआ कि P पॉइंट है इसका डिस्टेंस हो गया R माइनस एक्स फ्रॉम दिस dx एलिमेंट। अब मेरे को क्या करना होगा यहां पर कि इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप लूप और कॉइल इस लाइक, करंट कैरिंग लूप है अगर मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस ए है, एक्स डिस्टेंस पी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। हमने फाइंड आउट किया था ये एक्सप्रेशन, उसमें क्या आया था बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट बाई फोर पाई टू एन आई ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेस टू द पावर 3/2। ये होगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पी पॉइंट पर, मिनट बाई फोर पाई टू एन आई ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र 3/2। यहां पर मैंने डीएक्स एलिमेंट कंसिडर किया है। देखो बेटा जो डीएक्स एलिमेंट है मतलब डीएक्स लेंथ में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, स्मॉल n को dx से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस dx एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या करूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस करंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस करंट कैरिंग लूप इज इक्वल्स टू एन डी एक्स, तो मैं कैपिटल एन को एन डी एक्स से रिप्लेस कर दूंगा और स्मॉल एन क्या है कैपिटल एन बाई टू एल। तो मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो ये डी एक्स लेंथ है, ये होगा डी एक्स लेंथ, इसका रेडियस सोलेनोइड का ए कंसिडर कर लेते हैं हम,
जो पी पॉइंट है ये आर माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग लूप या कॉइल एट पी इज डी बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन एन डी एक्स आई ए, ए मेरे पास क्या होगा यहां पर पाई ए स्केयर बाई, मेरे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, तो एक्स स्केयर है तो क्या आ जाएगा यहां पर आर माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस ए स्केयर रेस टू द पावर 3/2। मेरे पास ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल एन है ये क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मेरे पास ये क्या होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, उसका वैल्यू क्या होगा म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन डी एक्स आई पाई ए स्केयर बाई आर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेस टू द पावर 3/2। अब हम अज्यूम कर लेते हैं यहां पर कि से आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स एंड आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, मतलब कि जो ओरिजिन से इस जो स्मॉल करंट कैरिंग लूप्स हैं एनडीएक्स जो हैं टोटल उनका तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एक्स डिस्टेंस पे हैं, वो इस सेपरेशन आर से बहुत बहुत कम है, और जो सोलेनोइड है उसका जो तुम्हारे पास रेडियस है वो भी इस आर से बहुत बहुत कम है, तो मैं एक्स और ए को यहां पर नेग्लेक्ट कर दूंगा डिनोमीटर में। तो पास डीबी का वैल्यू होगा डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन डी एक्स आई पाई ए स्केयर बाय आर स्केयर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये हो गया आर क्यूब। तो पास ये डिस्टेंस हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन डी एक्स आई पाई ए स्केयर बाई आर क्यू। अब मेरे को ये तो हुआ स्मॉल एलिमेंट की वजह से, मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल सोलेनोइड से, तो मैं क्या करूंगा यहां पर इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट्स। जो ये लिमिट है ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस एल, ये हो गया एक्स इक्वल्स टू प्लस एल, टोटल लेंथ क्या हो गया 2L। तो माइनस एल से एल तक मैं क्या कर दूंगा अब यहां पर इंटीग्रेट, तो करते हैं इंटीग्रेट। तो डी बी यहां से मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन डी एक्स आई पाई ए स्केयर बाई आर क्यूब, और इसका तुम्हारे पास इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल, लोअर लिमिट माइनस एल टू द अपर लिमिट प्लस एल। डीएक्स यहां पर सिर्फ वेरिएबल है और सब क्या है कॉन्स्टेंट्स, तो इनको इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा बी नेट एट पी विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन डीएक्स, ये हो गया पाई ए स्केयर, ये हो गया डीएक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस एल टू एक्स इक्वल्स टू प्लस एल एंड पाई, अच्छा ठीक है करंट भी है बाई आर क्यू। इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे ना डीएक्स इज है क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ए टू द पावर बी इज बी माइनस ए। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो क्या मिल जाएगा 2L, इसका वैल्यू मिल जाएगा मेरे को 2L, उस वैल्यू को यहां पे प्लग कर देंगे वो वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एन इंटू 2L आई एन पाई ए स्केयर बाई आर क्यूब। ठीक है बेटा देखना थोड़ा ध्यान से, यहां पर n इंटू स्मॉल n इंटू 2L कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स था ना हमारे पास, स्मॉल n इज कैपिटल एन बाई टू एल, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एल, तो वैल्यू हो गया बी
म्यू नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पी पॉइंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 कैपिटल एन आई पाई ए स्केर। पाई ए स्केर मेरे पास क्या हो गया एरिया, इसका रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट यहां पर एन आई ए बाई आर क्यूब एंड एन आई ए मेरे पास क्या होगा यहां पर एम, एम क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम हो गया मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज इक्वल टू एन आई ए। तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब, ये मेरे पास हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब। तो मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया कि एक्सियल लाइन पर सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से मेरे पास क्या है, किधर किधर मूव कर रहा है, वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, एक डायपोल लेंगे मैग्नेटिक डायपोल, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर चेक करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक टॉर्क चेक करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर दूंगा तो जो मैग्नेटिक है, जो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल है मतलब कि स्मॉल बार मैग्नेट, वो क्या करेगा ओसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब क्वांटिटीज हैं, तो मेरे पास है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मेरे पास क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को मैंने प्लेस कर दिया कुछ ऐसे, यहां पर है नॉर्थ पोल और यहां पर है साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ एम एम और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, नॉर्थ पोल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एम बी, साउथ पोल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम बी, दोनों पोल के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या होगा 2L। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी साउथ टू नॉर्थ कैपिटल M, ये कुछ मान लो थीटा बना रहा है यहां पर एंगल विद रिस्पेक्ट टू B। अब देखना यहां से दोनों फोर्स सेम लाइन पर नहीं है मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है बल्कि दोनों के बीच में क्या है कुछ सेपरेशन, कैसा सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे यहां पर ओ एक्स वाई जेड, वाई जेड क्या हो गया यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, कौन से फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नॉर्थ एज वेल एज साउथ, इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा कपल एक्ट करेगा मतलब कि टॉर्क, मतलब यहां पर क्या होगा एक टर्निंग इफेक्ट, उसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा यहां पर। तो मतलब टॉर्क बी हो गया मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल एम इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है स्मॉल एम इस पोल स्ट्रेंथ, एम बी फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्थ पे, मैग्नेटिक फोर्स और नॉर्थ पोल इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी
एंड MB साउथ इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साउथ पोल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B. और 12 हो गया यहां पर सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स साउथ एंड नॉर्थ, दोनों पोल्स के बीच में 12 हो गया यहां पर सेपरेशन. अब मेरे पास क्या होगा यहां पर, ये तो 12 तो हो गया सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स. अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट, ऑन दिस बार मैग्नेट एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस अब देखो एनी फोर्स क्या हो गया यहां पर MB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या था यहां पर YZ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2L लेंथ है, XYZ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा. तो XY तो क्या मिलेगा 2L cos थीटा और जो परपेंडिकुलर है ना YZ वो क्या होगा 2L sin थीटा. तो मैं यहां से सिंपली रख सकता हूं कि MB 2L sin थीटा और हमें पता है M into 2L is capital M. तो मेरे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा. टॉर्क कहां एक्ट करेगा, एक प्लेन टॉर्क एक्ट करेगा प्लेन जो एम और बी को कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड. ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी. तो देखो फर्स्ट वेक्टर एम उसके डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस करना, कौन से फिंगर्स को राइट हैंड के, कर्ल करना उनको सेकेंड वेक्टर की तरफ. यहां पर सेकेंड वेक्टर क्या होगा बी, उसकी तरफ कर्ल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा डायरेक्शन थंब का पॉइंट आउट कर रहा है इनवर्ड. इनवर्ड मतलब कि जो प्लेन है ना जो कंटेन कर रहा है एम और बी के उसके कहां पे है इनवर्ड. तो ये मैं बता देता हूं यहां पर देखो ये यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये होगा थीटा. ये कैसा मिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब टॉर्क एक्ट करेगा डाउनवर्ड. ठीक है, तो पास ये हो गया टॉर्क. इसे वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी. ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क का वैल्यू मेरे पास विच इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी. अब हमें पता लग गया टॉर्क एक क्वांटिटी है जो कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है. तो मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा एंड यहां पर एक थीटा. इस थीटा का मतलब है जो टॉर्क एक क्वांटिटी है ये मेरे पास थीटा के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है टॉर्क. ठीक है, अब मेरे पास है यहां पर कि एनर्जी फाइंड आउट करना इस डायपोल का जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. तो देखो वो कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, इस मैग्नेटिक डायपोल्स को प्लेस कर दिया, ये कुछ ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मान लो किसी थीटा वन पर और इसको मेरे को रोटेट करना है किसी थीटा टू तक, तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, उस वर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू से क्या मिल जाएगा टोटल वर्क. टॉर्क पी साइन थीटा था वहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में, तो बस ये क्या हो गया एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ओरिएंटेशन आर्बिट्री थीटा वन टू थीटा टू, एम बी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है, एम बी बाहर आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा थीटा वन टू थीटा टू, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा एम बी माइनस कोस थीटा थीटा वन टू थीटा टू, ये हो गया माइनस एम बी को बाहर रख दो माइनस साइन को, ये हो गया कोस थीटा थीटा वन टू थीटा टू, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा टू माइनस कोस
थीटा वन। तो बस ये क्या हो गया वर्क डन और एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जो हो जाएगा यू। यू क्या हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो बस हो गया यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि डायपोल को जब मैंने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो उसने कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया, वो हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अगर मान लो जनरल एक्सप्रेशन मेरे को फाइंड आउट करना हो, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लो थीटा वन 90 डिग्री टू आर्बिट्री थीटा टू इक्वल टू थीटा पे मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरे को जो भी पोटेंशियल एनर्जी यू मिलेगा वो हो जाएगी यहां का जनरल एक्सप्रेशन। तो इस वैल्यू को मैं प्लेस कर सकता हूं, तो इस वैल्यू को कैसे रखेंगे, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा टू थीटा माइनस कोस 90 डिग्री और कोस 90 क्या होगा मेरे पास 0 डिग्री। तो ये क्या होगा यू इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस थीटा। तो क्या मेरे पास कोई भी डायपोल को मैंने प्लेस किया उसकी मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन, देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस थीटा। अब मान लो थीटा 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कोस 30 इंटू माइनस एम बी, तो वो क्या मिल जाएगा मेरे पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था आज के लिए कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया डाइपोल के। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।